उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के थाना कमलापुर इलाके में गुरुवार को कसमंडा ब्लॉक में नामांकन के दौरान जमकर बवाल हो गया। वहीं नामांकन करने जा रही भाजपा से बागी उम्मीदवार को रोकने को लेकर हुए बवाल के दौरान हथगोले चले और कई राउंड फायरिंग भी हुई। वहीं घटना के बाद भगदड़ मच गई। वहीं पुलिस ने लोगों पर लाठियां भांजी। वहीं मौके पर घटना के बाद तनाव है। फिलहाल पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है। वहीं घटना में 3 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव के लिए गुरुवार को जिले के 19 ब्लॉक में नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच कसमंडा ब्लॉक में भाजपा की प्रत्याशी गुड्डी देवी अपना नामांकन करने के बाद ब्लॉक से चली गई। बताया जाता है कि कुछ देर बाद निर्दलीय प्रत्याशी मुन्नी देवी नामांकन करने ब्लॉक के अंदर जा रही थी। बताया जाता है कि मुन्नी देवी को गुड्डी देवी के समर्थकों ने नामांकन करने के लिए रोका था। साथ ही मुन्नी देवी भाजपा से ही टिकट मांग रही थी। वहीं टिकट न मिलने पर बागवत करते हुए निर्दलीय के रूप में नामांकन करने जा रही थी। इसी को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया। वहीं कहासुनी के दौरान मामला तूल पकड़ गया और देखते ही देखते गोलियां चलने लगी। साथ ही कई राउंड फायरिंग के बीच हथगोले भी चले। वहीं इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं घटना को देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी अपनी जान को बचाते हुए भागते नजर आए। हालांकि कुछ ही देर में मामला शांत हो गया। वहीं पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए भीड़ पर लाठियां भी भांजी। वहीं चश्मदीदों की माने तो करीब 12 राउंड फायरिंग हुई है और कई हथगोले भी दागे गए। वहीं घटना में पकड़ू सिंह कमलापुर के निवासी अखंड सिंह और भेलाहार के टिंकू यादव घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि हालत सभी की खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं सूचना पाकर मौके पर एसपी आरपी सिंह आ गए। फिलहाल हालात काबू में हैं। वहीं एसओ कमलापुर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अखंड भारत न्यूज़ के लिए वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, सीतापुर।